सुधांशु जी, सरकार आपकी है, सत्ता आपके हाथ में है, दिल्ली में जरूर कमान आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि मतलब ईवीएम का बटन ऐसे दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, वही भारत पाकिस्तान वाली थ्योरी पर आपके गृह मंत्री भी चल रहे हैं आगे, यही माने कि आपकी अब यही स्ट्रैटेजी है दिल्ली वाया शाहीन बाग। अंजना जी, शाहीन बाग को करंट लगने से पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? अरे कपिल मिश्रा कहते हैं ना कि छोटे छोटे पाकिस्तान है इंडिया में, मिनी पाकिस्तान, कपिल मिश्रा बताते हैं ना सबको। हाँ, जिस पर इलेक्शन कमीशन से झाड़ लगती है, एफआईआर दर्ज होती है। मिश्रा नहीं बोले हैं पहले? अंजना जी सुनिए तो, कपिल मिश्रा पहले व्यक्ति नहीं है, बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम बोल चुके हैं और मीडिया को ले जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखा के बोल चुके हैं कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है, और उसके बाद भी जलवाए जलाल के साथ बंगाल की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। हाँ। उनसे पूछना चाहिए कि मीडिया को ले जाकर दिखाकर किस बेस पे बोल रहे हो ये मिनी पाकिस्तान है। तो जो लोग अपने आप एलानिया बोल रहे हैं, और यहां तो एक बात आप स्वयं देख लीजिए, जो शब्द शाहीन बाग के लोग बोल रहे हैं हूबहू शब्दशः वही बातें पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, वही इमरान खान बोल रहे हैं कि साहब ये तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन लोगों को हटाने के लिए, जबकि बड़े बड़े वकील वो लाइन नहीं बता पा रहे हैं सीए में, जो लाइन किसी की नागरिकता ले सकती हो, मुस्लिमों को तो छोड़िए किसी की नागरिकता ले सकती हो, वो वर्ड नहीं बता पा रहे हैं सीए के एक्ट में जो भारत के नागरिकों से कोई संबंध भी रखता हो। इसलिए और उससे ज्यादा हमें आश्चर्य यह हो रहा है कि दिल्ली के धरना धुरंधर और बवाल भयंकर केजरीवाल जी, जो किसी भी बात पे धरने में बैठ जाते थे, जिनके उप मुख्यमंत्री जी कह चुके शाहीन बाग के साथ है, वो ना धरने में दिखाई पड़ रहे हैं ना अपने साथ वाले साथियों को समझाने के लिए जा रहे हैं। तो सवाल तो उनसे पूछिए ना, गृहमंत्री जी ने साफ कहा भाई हमें तो घोषित उसका विरोधी माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर, तो हम तो उसके बिल्कुल खिलाफ है कि जो हो रहा गलत है, ठीक है, हो रहा सही है, वो तो जाके समझाने की कोशिश करें। अरे आप भी तो कभी चले जाइए, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? अंजना जी सरकार तो आपके पास है। नहीं नहीं वारिस पठान जी, पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। शर्जिल इमाम और ऐसे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मोदी से लड़ना है तो भारत के खिलाफ कुछ करने की जरूरत है, इसकी इजाजत भी तो नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, वायलेंस तो हर तरह का खंडन करते हैं, मगर अंजना जी ये देखने वाली बात यह है कि भाजपा के कुछ लोग ये जो शाहीन बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को गलत नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बीजेपी के जो लीडर है एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा, बीजेपी की रैली में चैंट कर रहे स्लोगन, देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, ऐसे इंसान को बाहर रहना चाहिए कि इनको जेल में डालना चाहिए फॉर इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस, ये तो हेट्रेट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बारे में सुधांशु जी खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों, हम देश के नागरिक है, हम क्या गद्दार है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गद्दार है स्टूडेंट्स, गद्दार है देश के, पूरा देश जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब गद्दार है क्या? सुधांशु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्यों नहीं आते मेरे साथ शाहीन बाग? क्यों कोई आपका बीजेपी का नेता नहीं जाता शाहीन बाग? नहीं जाएंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि ये टोटल फेलियर हो चुके हैं और ये काले कानून के खिलाफ पूरा देश शाहीन बाग बन गया है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शाहीन बाग ही शाहीन बाग बनते जा रहे हैं, मुंबई के अंदर शाहीन बाग बन चुका। आप लाख चाहे बदनाम करने की कोशिश करोगे पैसा लेके करेंगे। अंजना जी कल ही किसी ने मुझे कहा वारिस भाई ये जो बोलते ना हमने 500,000 रुपए में शाहीन बाग के एक एक को खरीदा, अरे इतने में तो हमारी तस्वीर नहीं बेचे, क्या हमारा ईमान खरीदेंगे ये?